लोग आसानी से 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 वॉच टाइम आवर्स कैसे ले सकते हो? तो उसका सबसे आसान तरीका ये है कि तेरा हाथ तो पहुंच गया। अब कहाँ से करेगी? तुम कर जाओ। So, हम दोबारा निकले हैं बाहर गाड़ी लेके। कैसी शक्ल हो रही है तो अभी, और पिताजी भी आ रहे हैं पीछे से। जी स्ट्रीट्स पे, मतलब कहीं लाइट में चल के कहीं पे बात करता हूँ। वैसे तो मेन मुद्दा ये है कि मैं जा रहा हूँ अभी राहुल शर्मा को पिक करने, क्योंकि राहुल भी मेरे साथ चलेगा। डैड बड़े गुस्से के मूड में, तो घर पे जो है वो टाइम पे आना पड़ेगा। और गाइस, जो लोग नहीं जानते और नए हैं इस ब्लॉग पे, तो मेरा नाम है अभिषेक, मैं हूँ इस चैनल का ओनर। और मेरे को पसंद है अपनी लाइफ रिकॉर्ड करना और डेली यूट्यूब पे पोस्ट करना, क्योंकि मेरे चाहने वाले लोग देखते रहते हैं। राहुल को कॉल कर लेता हूँ, पर कैसे करूँगा, तुमको कैमरा कहाँ ही रखूँ। आ गया कॉल, वाह क्या किस्मत है, ये नहीं मरेगा हराम खोर। अगर ये राहुल का ही कॉल है तो ये मरेगा नहीं। रुको एक सेकेंड। हेलो, कहाँ है तू? रेडी नहीं हुआ तू अब तक? मैं रेडी हो गया, मैं तो घर से निकल गया, वहाँ गोयला मोड़ से लेफ्ट हो गया मैं। तू रेडी हो जा फटाफट, आ जाओ नीचे। सर राहुल भी रेडी सही है, घर के नीचे पहुँच के कॉल करेंगे इसको। वैसे तो आराम को रहा है, एक बार में रेडी हुआ नहीं होगा। रोड पे देख के चलाना ज़्यादा ज़रूरी है गाइस, इसलिए मैंने एक बार भी कैमरे में नहीं देखा। पर मैं बोलना ज़्यादा ज़रूरी था इसलिए मैं बोलता जा रहा हूँ। फ्रेम का भी नहीं देखा मैंने, तो कितनी फ्रेम सही आई है कितनी। पहुँच गए हम राहुल के घर पे। वैसे राहुल को मेरे को एक कॉल और करना पड़ा, और अभी तक तो वैसे आया नहीं है, पर आ जाएगा ऐसा हम सोच के चल रहे हैं कि आ जाएगा टाइम से। वैसे अच्छा जा रहा है ये नया वाला व्लॉग जो मैंने डाला है, विच इज़ भाई यार ये बहुत देर कर, बहुत दोबारा गाइस फक सीन हो गया यार कैमरे के साथ। इससे आगे यूज़ नहीं कर पाऊँगा मैं कैमरा, क्योंकि इसका दोबारा ना वो हिल गया, क्या कहते हैं, रुको फ़ोन से भी रिकॉर्ड करता हूँ तो मैं दिखाता हूँ अभी क्या भी हुआ है एकदम। ये देख रहे हो कैसे हिल रहा है पीछे का डिस्प्ले जो है, ये कहाँ से गया है। ये वाला जो था ये ठीक था और ये ख़राब था, मैंने इसको लगवाया, ये ठीक है, अब की बार ये वाला निकल गया। अरे एक बार शोरूम पे ही जाना पड़ेगा कैनन के ना, तभी कुछ बात बनेगी। बहुत रिस्की है गाइस इस टाइम पे कैमरा यूज़ करना, मैं यूज़ कर रहा हूँ वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि राहुल शर्मा जब तक नहीं आ रहा गाड़ी में, उसी पोजीशन में जब तक व्लॉग में कुछ तो इसको कंटेंट होना चाहिए। सो कंटेंट ये है आज के व्लॉग का। सो अभी हम जा रहे थे हिमानी सहवाग जो है मेरा दोस्त, उसकी बहन की शादी थी वैसे पास में ही है, साईं बाबा मंदिर। अभी तक तो शर्मा भी नहीं आया। सो इस व्लॉग को कर देते हैं हम कौन सा, कि तुम लोग कैसे 1000 तुम लोग आसानी से 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 वॉच टाइम आवर्स कैसे ले सकते हो। सो उसका सबसे आसान तरीका ये है कि तुम्हारे पास जितना भी टाइम है ना, अगर जल्दी जल्दी करना चाहते हो तो छोटी छोटी वीडियो बनाओ। छोटी वीडियो जो होती है लोग उसको ज़्यादा टाइम तक देखते हैं, उस वीडियो का ज़्यादा वॉच टाइम होता है, और ज़्यादा वॉच टाइम होता है तो वो वीडियो ऑटोमेटिकली रिकमेंडेशन में आती है। ध्यान बस इस चीज़ का रखना है कि टैग सही हो और टाइटल ऐसा हो जो रिलेटेबल हो, कंटेंट जो हो वो ऐसा हो कि रिलेटेबल हो, जिससे लोग रिलेट करें, वीडियो को शेयर करें। ऐसा नहीं कि बस देख के छोड़ दें, वीडियो से रिलेट करेंगे तो वीडियो ऑटोमेटिकली शेयर होगी, शेयर होगी तो ऑटोमेटिकली और ज़्यादा बजाएगा। फौरन तो ऐसे बजा रहे जैसे जी गली में मुड़ेगा। सो ये बात हो गई, अगर तुम्हारी वीडियो चलेगी, शॉर्ट वीडियो होगी और क्रिएटिव वीडियो होगी ना, तो लोगों को जल्दी पसंद आएगी, लोग ज़्यादा जल्दी सब्सक्राइब करेंगे। तुम्हारा जो इनिशियल टारगेट है कि तुम्हारा अकाउंट जो है वो मोनेटाइज हो जाए, मोनेटाइजेशन एलिजिबल होने के लिए जो यूट्यूब का नया पार्टनर प्रोग्राम है उसके हिसाब से एलिजिबल होने के लिए भी तुम्हें 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटों का वॉच टाइम आवर्स जो उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो होना चाहिए। उसके बाद तुम्हारा अकाउंट जो होगा वो रिव्यू होगा, और तब तुम्हारे चैनल के ऊपर वो नीचे साइन आता है ना कम्युनिटी टैगलाइंस पे कि एलिजिबल फॉर मोनेटाइजेशन, तब वो तुम्हारा एक्टिव हो जाएगा। बना 10-10 मिनट की वीडियो भी सकते हो, पर शॉर्ट वीडियो बनाओगे ना तो ज़्यादा जल्दी बनेगा। एक बार सब्सक्राइबर बेस बढ़ जाएगा ना पहले, तो उसके बाद तुम थोड़ी ड्यूरेशन बढ़ा बढ़ा के भी डालोगे तो चल जाएगा। जितने टाइम में तुम 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम आवर्स का टारगेट कंप्लीट करोगे ना, समझ आ जाएगा एटलीस्ट तुम्हें उस टाइम पे
उस चैनल पे किस टाइप का कंटेंट पब्लिक करना है और किस टाइप का कंटेंट तुम्हें इग्नोर हुआ जा रहा है। सो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये था सबसे बेस्ट आइडिया जो मेरे दिमाग में आया। और सबसे और अच्छी आसान चीज़ बताऊँ, जैसे कि तुम्हें अगर स्किट करना आसान नहीं लगता और कुछ आसान नहीं लगता, बट तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट है तो उससे रिलेटेड कोई व्लॉग बनाओ, उससे रिलेटेड कोई सी भी वीडियो बनाओ। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि सबसे और भी आसान प्रैंक जो है ना, प्रैंक बनाओ, मैं बता सकता हूँ क्योंकि प्रैंक अच्छे से चल जाते हैं। शॉर्ट बनाओ, एक एक मिनट के प्रैंक बनाओ पब्लिक के साथ, पब्लिक प्रैंक सिंपल एकदम, जो मामूली सी वो होती है ना स्माइल वाले, बेसिक स्माइल वाले प्रैंक। ज़्यादा नेक्स्ट लेवल में मत जाओ कि मार के भग गए, ये कर दिया वो कर दिया, एकदम बेसिक बनाओ, चल जाएंगे सारे के सारे। तीन तीन चार चार मिनट की वीडियो बनाओगे तो थोड़ा और वॉच टाइम बढ़ता जाएगा, इस तरीके से चैनल आराम से रिव्यू हो जाएगा। उसके बाद तुमको अगर चैनल के ऊपर कंटेंट चेंज करना है तो कर सकते हो, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर बेस कोई ज़्यादा बेस नहीं होता, आप 1000 पे एलिजिबल भी हो जाओगे और आप अपना कंटेंट शिफ्ट भी कर सकते हो। जैसे कि एक बार ग्रोथ करके मोनेटाइजेशन स्टार्ट हो गई, उसके बाद आप लोग अपनी स्किट्स भी बना सकते हो, वाइंस भी बना सकते हो, शॉर्ट फिल्म भी बना सकते हो, टेक रिव्यू भी कर सकते हो, जो भी कर सकते हो। क्योंकि स्टार्टिंग में अगर तुम 800-700 सब्सक्राइबर्स होंगे तो उस टाइम तो कोई टेक रिव्यूअर के पास कोई गिफ्ट भी रिव्यू करने के लिए कोई यूनिट भी नहीं आएगी, तो तुम्हें पहले कोई बेस तो करना ही पड़ेगा, टेक रिव्यू हो चाहे कोई सा भी चैनल हो। तो बेस जो है तुम्हारा 1000 सब्सक्राइबर तक का कम से कम हो जाएगा, तो तुम्हें अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंस आएगा कि हम इस प्लेटफॉर्म पर सस्टेन कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी हालत में ना, किसी भी कंडीशन के अंदर वो 1000 सब्सक्राइबर गेन करना ना आसान बात नहीं है। मैं समझ सकता हूँ इनिशियल जब बंदा जीरो से स्टार्ट करता है तो वो खुश हो के कि मैंने यूट्यूबर बन गया, यूट्यूब का चैनल खोल दिया, तो 101 बंदों से 201 बंदों से कैक हुआ के सब्सक्राइब कर दो मेरा चैनल, सब्सक्राइब कर दो, इतना तो कर देता है। बट उसके बाद के भी जो 800 है ना, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल होता है। सो जो यूट्यूबर हैं जो वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे मतलब की वीडियो, तो तुम लोग समझ सकते हो कि बिल्कुल वीडियो को लाइक कर देना। यही चीज़ यही आइडिया आया था मेरे दिमाग में फिलहाल, अगर कुछ और कुछ आया तो मैं डेफिनेटली पार्ट 2 के अंदर भी डाल दूंगा, वैसे अब तक राहुल शर्मा आया नहीं है। सो इस ब्लॉग को हम यहीं पर कंक्लूड करेंगे। अगर और कोई दिक्कत लगी हो या और कोई क्वेश्चंस हो तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, वीडियो का रिव्यू कैसा लगा वो भी डाल सकते हो। ब्लॉग में गाइस कुछ नहीं था, मेरा कैमरा ख़राब हो गया, नहीं तो मैं शादी का भी पूरा का ब्लॉग दिखाता। तो मेरे को ये वाला टॉपिक जो था ये भी कवर करना था ब्लॉग के ऊपर, तो क्यों टाइम वेस्ट किया जाए, कोई नहीं है स्टूडियो पीछे क्या हुआ, बट एकदम नॉलेज है गाइस जो मेरे को अच्छा लगा मैंने बताया, बिल्कुल सही चीज़ बता रहा हूँ, फॉलो कर सकते हो और करके तो देख ही सकते हो, वैसे तो कुछ भी नहीं कर रहे पर करके देखोगे, क्या पता काम चल जाए। थम्स अप, बिग थम्स अप, अपने लिए भी थम्स अप छोड़ देना नीचे और शेयर कर देना प्लीज़ जितने भी यूट्यूबर्स हैं ना उनके साथ, क्योंकि मेन चीज़ है यार, जिनको भी तुम बोल रहे हो ना, जिनको भी तुम रिकमेंड कर रहे हो कि हाँ तू यूट्यूबर बन जा, उसको ज़रूर दिखा देना ये वीडियो, ताकि थोड़ा वो मोटिवेट भी हो जाए और उसको अंदर से पता भी चल जाए कि बस यूट्यूब मतलब आसान ही नहीं है, स्ट्रगल भी है, कितना स्ट्रगल है, किस तरीके का स्ट्रगल है, वो सब तो जो बंदा परस्यू करेगा वही कर सकता है। सो हम मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। वैसे अब तक भी नहीं आया राहुल शर्मा, हराम खोर, इतनी देर से मैंने पूरी पूरी वीडियो कंप्लीट कर दी पर तब भी नहीं आया। जय भाई बंदे की, अब तक नहीं आया। अबे कहाँ है भाई, क्या सीन है तेरे? अबे 15 मिनट हो गए तो मेरे को बता तो दे, मेरे को तो तू 1-1 मिनट कर रहा है यार, कैसा इंसान है तू? मेरे से पूछ रहा कि रेडी हुआ, तू नहीं हुआ, मैं रेडी हो गया, तू आ नहीं रहा। 15 मिनट से मैं नीचे खड़ा हूँ, तेरे को नहीं पता चला फोन करा था मैंने तेरे को कि नीचे हूँ मैं? आ गया कर रहा है, कहता है एक बार में 2 बंदों से कैसे बात करूँ मैं? मैंने कहा कर, तू कर नहीं सकता, बात नहीं कर सकता, क्या कर सकता है तू बात नहीं कर सकता? तो चलो टाइम यूटिलाइज हो गया, जल्दी से ये वाला ब्लॉग पब्लिश कर देंगे। तो सर्विस व्लॉग और एक्सिस बैंक वाला जो फ्रॉड वाला व्लॉग था वो मैं अब इसके बाद पोस्ट कर दूंगा डेफिनेटली। गाड़ी आ गई, अब तो हटानी पड़ेगी, गाड़ी बैक करनी पड़ेगी। मैं निकल जगह खड़ी कर रखी है, देख रही हूँ राहुल शर्मा के चक्कर में क्या क्या हो रहा है। अब गाड़ी दोबारा खोलनी पड़ेगी अगर मेरे को रिकॉर्ड करना है तो। और मेरे को फॉलो कर सकते हो यार इंस्टाग्राम पे, मेरे को फॉलो क्यों नहीं करते यार तुम लोग? फॉलो करो भाई इंस्टाग्राम पे यार, इतना सिंपल सा नाम है @abhishek_atridum से ये भी काम नहीं होते, कर देना यार जाते जाते बिल्कुल याद से। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा इंस्टाग्राम का, डायरेक्ट लिंक उस पर खोलो, वेब पेज खुल जाएगा इंस्टाग्राम का, वहाँ पे क्लिक कर दो फिर ऐप डाउनलोड कर लेना आराम से, उसमें तुमको फीड मिल जाएगी मेरी। बाय, और मैं मिलता हूँ नए ब्लॉग में। बाय। कैमरा टूट गया है और ये दोबारा सही करना पड़ेगा। ये शक्ल दिखा देता हूँ तुम्हें एक बार, ये कैसा बन के आया है, और फिर चलते हैं। ओहो मिस्टर मुकेश खन्ना भाई, ये बंद तो कर दे तू ये शर्ट, कैसे तू जंगल दिखा रहा लोगों को? जंगली जंगल है, जंगली अंदर है, जंगली खंडर है। फिर बड़े गुस्से के मूड में तो घर पे जो है वो टाइम पे आना पड़ेगा, इतनी सी बात बोलने में भी रिटेस्ट हो गए मेरे। चीज मैंने आज 500 डाला था वो
कैसा हूँ यार, मैं भूल जाता हूँ यार। आ गया के बर्थडे वाला व्लॉग यार, अभी तक खुला नहीं है पर मेरे को याद आ गया एटलीस्ट, क्योंकि मोनेटाइजेशन एलिजिबल होने के लिए तो यूट्यूब की नई पार्ट, जो यूट्यूब का नया पार्टनर प्रोग्राम है।